तो अभी हम लोग प्रीतमपुर आ गए हैं और भाई ने मुझे लिफ्ट दिया। भाई आपका नाम? दीपक कुशवाहा। भाई का नाम दीपक कुशवाहा है और यहाँ ये भाई आ गए। भाई इसमें आपको एक बार इंट्रो करा देता हूँ। भाई अपना नाम बताओ। संजय। भाई का नाम संजय गोखले। और हो सकता है हम उज्जैन में भी साथ में घूमेंगे। तो अभी मैं आ गया हूँ उज्जैन और मैंने बोला था कि दो तीन लोग से मिलने वाले हम लोग, भाई के दोस्त हैं। और तो भाई सुबह सुबह हम लोग निकल गए जहाँ पर हम रुके थे ढाबा पर। और ये देखो अपना बैठक है जहाँ पर लिफ्ट मिली है। और यहाँ पर रास्ते में इंदौर से पहले ही एक जगह है जहाँ पर भाई जूते चप्पल काफ़ी सस्ते मिलते हैं, वहाँ पर हम लोग रुके हैं। और वहाँ पर जिनके साथ मैं हूँ सुखविंदर सर को लेना है शूज। और देखते हैं भाई, मैं आपको ये सीन भी दिखाता हूँ यहाँ का भी और देखते हैं भाई कितना सस्ता मिलता है। ले लिए सर? कितने का है भाई ये? 180 रहा है। 180 बोल रहे हैं? अरे भाई कम करो, हाईवे पर है, रुके हम लोग थोड़ा भाई बजट में मिल जाएगा। तो भाई ये देखो ये शूज का बोल रहे हैं 850 रुपये। 850 ना, और डिस्काउंट वगैरह करें तो 800 रुपये डिस्काउंट करने पे। तो भाई डिस्काउंट करने पे ये शूज मिलेगा आप लोग को 800 का। और यहाँ पर देखो भाई ये सारे शूज हैं, कई सारी कलर, कई सारी क्वालिटी के शूज आपको मिल जाएंगे देखने को। तो आपको जो भी लेना है वो अपने हिसाब से आप ले सकते हो। अगर ले सकते हो क्या यार, ये एड्रेस तो वैसे पता ही नहीं चलेगा। हम लोग सोचते हैं एकदम चीपेस्ट वाली एरिया है, लेकिन नॉर्मल तरीके से नॉर्मल रेट है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। अब यहाँ से निकलते हैं और निकलते मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक आध फोटो ले लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। और देखो ये हम हाईवे पर खड़े हैं और पूरा हाईवे का ये पूरे हाईवे के साइड में ये है साई राम करके, और ये अपना ट्रक है जिस ट्रक में हमें जाना है। और उस ट्रक से अभी निकलेंगे और हाईवे पर ही हम लोग खड़े हैं हाईवे पे। और यहाँ से हम थोड़ी देर में निकलते हैं और जब तक सुखविंदर सर अपना शूज वगैरह तो ऐसे ले लिया, टोटल 250 का पड़ा, एक सॉक्स एंड एक शूज़ लेने का। तो ठीक है यार, बजट में ही मिल गया, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। यहाँ से पूरा ही चाइकिंग वीडियो आएगी क्योंकि अभी सुखविंदर सर कुछ आगे जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं। और जितना दूर जाएंगे वहाँ पर उतरने के बाद फिर से मुझे हिचहाइकिंग करनी होगी उज्जैन के लिए। और उज्जैन और यहाँ से 100 किलोमीटर मान के चलो इंदौर है, तो अभी तो मैं ट्रक में ही हूँ फिलहाल। और इंदौर से 55 किलोमीटर के आसपास उज्जैन है, तो उज्जैन तक चलेंगे और वहाँ पर फिर देखते हैं कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, क्या सीन होता है। तो देखो भाई ये ट्रक है, अभी बैठते हैं भाई, बैठने का है और शूज वगैरह निकाल लेंगे उसके बाद बैठ। तो अभी मैं आ गया हूँ इंदौर से 35 किलोमीटर हम लोग पहले हैं और सर को आगे से टर्न लेना है, तो सर ने यहाँ तक छोड़ा और कल से मैं इसी ट्रक में हूँ। थैंक यू सर। और अब यहाँ से हम निकलेंगे और यहाँ से फिर रिचार्जिंग करेंगे और मुझे उज्जैन जाना है टोटल 105 किलोमीटर। तो डेली बेस के हिसाब से तो आज बहुत ही कम मुझे हिचहाइकिंग करना है, 105 किलोमीटर बहुत ही कम होता है। तो दोपहर तक या फिर 2 बजे तक तो मैं उज्जैन पहुंच जाऊंगा, उसके बाद चलते हैं। जो शिवलिंग है 12 शिवलिंग या 18 में एक है, 12 है ना कुछ करके ऐसा, तो वहां पर चलूंगा और उसका डिटेल मैं अभी चेक कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं। और फिर देखो भाई अभी हाईवे के साइड में हम लोग रुके हैं और यहां से फिर अभी हमें निकलना है और यहां से हिचहाइकिंग करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने में उज्जैन। उज्जैन के बाद प्लान करेंगे किसी और से। तो फिर भाई देख लो, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और ये ट्रक था जहाँ पर मैं रुका था, मीन्स जिस ट्रक से मैं आया, और अब यहाँ से आगे हिचहाइकिंग करेंगे और देखते हैं कितनी देर में भाई लिफ्ट मिल जाती है। वैसे तो जल्द मिल जाएगी, आज तो हमारा डेस्टिनेशन 100 किलोमीटर का ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है तो पहुँच जाएंगे। तो अभी हम लोग प्रीतमपुर आ गए हैं और भाई ने मुझे लिफ्ट दिया। भाई आपका नाम? दीपक कुशवाहा। भाई का नाम दीपक कुशवाहा है और यहाँ पर हमने चाय वगैरह किया और 15 या 20 किलोमीटर के आसपास भाई ने मुझे यहाँ तक छोड़ा और यहाँ से अभी हम जाएंगे, आपको बताइए। तो यहाँ से दूसरे हम चैकिंग करते हैं, तो थैंक्स ब्रदर लिफ्ट के लिए। और भाई ऐसे ही अच्छे लोग मिलते रहते हैं रास्ते में, अगर आप ट्रैवल करते हो तो कहीं भी यार कोई इशू नहीं आता है। और ये यूपी से है, इटावा डिश से है, तो भाई मिल के इनसे काफ़ी अच्छा लगा। और भाई अपना आगे का प्लान है, देखते हैं कितना टाइम लगता है उज्जैन पहुँचने में। और अगर आज उज्जैन हम पूरा घूम लेते हैं तो कल का प्लान अपना रहेगा सागर के साइड जाने का, देखते हैं भोपाल के साइड। और ये रूट में है भोपाल, और भोपाल में कहाँ घूमना है ये अभी कुछ प्लान नहीं है। और उज्जैन आज चलते हैं, देखते हैं, घूम लेते हैं भाई उज्जैन को भी आज। उज्जैन जगह काफ़ी अच्छी है अपनी, 12 ज्योतिर्लिंग जो होती है शिवलिंग में से एक है, तो वहाँ पर जाना तो ज़रूरी है। तो भाई भाई ने यहाँ तक मुझे छोड़ दिया है 8-10 किलोमीटर के आसपास, भाई से मिलवा देता हूँ। भाई आपका नाम? लाखन। भाई का नाम लाखन है और यहाँ तक भाई ने मुझे छोड़ा 8-10 किलोमीटर के आसपास। और
अब यहाँ से हम आगे जाएंगे, थैंक्स ब्रदर यहाँ तक छोड़ने के लिए। तो आगे चलते हैं भाई, और आगे का अपडेट आपको देता हूँ भाई। आगे तक लिफ्ट मिल गई, सर ने दे दिया। सर कितने किलोमीटर तक? 2-3 किलोमीटर के लिए। और ऐसे ही करके भाई आज शाम तक तो हम पहुँच जाएंगे उसे। तो अभी मैं समझ लो इंदौर सिटी से भाई बाहर आ गया, और भाई ने मुझे छोड़ा। भाई आपका नाम? विनायक। भाई का नाम विनायक, और भाई ने मुझे यहाँ पे छोड़ा। और ये हाईवे है, और यहाँ से मुझे उज्जैन जाना, और यहाँ से आगे जाके टर्न लेना ना। कौन से ले आना? सीधे एमआरटी ना, एमआरटी से नीचे करना। तो आगे से हमें बस टर्न लेना भाई। थैंक्स। ओके, तो भाई आगे चलते हैं, और आगे का अपडेट मैं आपको देता हूँ। तो अभी भाई मैं इंदौर में पहुँच गया था, और काफ़ी देर से हूँ भाई इंदौर सिटी में। मैं घूम रहा था, और यहाँ पर यहाँ के बहुत सारे लोकल लोग भी मुझे मिले, जो भाई बहुत सपोर्टिव है। और आपका हेल्प, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो आपका हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुझे कई सारे लोग मिले भाई, मेरा हेल्प काफ़ी किया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी उतना ज़्यादा मीडिया के चक्कर में ना पड़ो, और खुद पर्सनल लेवल पर जब आप एक्सपीरियंस लोगे तो हर सिटी के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ के लोग मुझे तो भाई काफ़ी अच्छे लगे। और मैं सिटी में, इंदौर सिटी में 2 घंटे पहले पहुँचा था, 2 घंटे से सिटी के अंदर घूम रहा था। फाइनली अभी मैं, मुझे हाईवे पर आना था, तो एक भाई ने मुझे यहाँ हाईवे तक छोड़ के गए भाई, और नाश्ता वगैरह किया, और ये रहा हाईवे। और अभी हमारा प्लान है कि भाई मैं उज्जैन जाऊँ, वो तो पता है, क्या प्लान बताऊँ। अभी यहाँ से जा रहा हूँ मैं उज्जैन की तरफ, और उज्जैन ज़्यादा दूर नहीं है, 40 किलोमीटर के आसपास होगा, या फिर 50 किलोमीटर मैक्स 50 होगा, 40 से कम भी नहीं होगा। तो चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ फिर उज्जैन सिटी एंड महाकालेश्वर का दर्शन कराता हूँ, अगर अंदर शूट करने दिए लोग तब। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था भाई, लिफ्ट लेने में कहीं भी दिक्कत नहीं होती, हर सिटी में अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो भाई अभी मैं इंदौर में हूँ, और यहाँ पर भाई एक मिल गए, जो अभी पेट्रोल यहाँ पर डलवा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, और आते हैं मैं उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। और इंदौर तो मुझे डायरेक्ट जो है भाई उज्जैन के लिए लिफ्ट मिल गई है, और हो सकता है कि हम लोग साथ में पूरा उज्जैन घूमें, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये भाई आ गए भाई, इसमें आपको एक बार इंट्रो करा देता हूँ। भाई अपना नाम बताओ? संजय। भाई का नाम संजय गोखले, और हो सकता है हम उज्जैन में भी साथ में घूमेंगे, दो लोग और हैं तो उनके साथ भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। तो भाई से मिलके काफ़ी अच्छा लगा, थैंक्स लिफ्ट देने के लिए भाई। भाई अब इंदौर से अब डायरेक्ट हम लोग उज्जैन जा रहे हैं, और वहाँ पर रुकेंगे और थोड़ा घूमेंगे वहाँ पे, जो भी प्लेसेस होगी उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और इनके साथ में दो लोग और हैं, उनसे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस बहुत ही जल्द कराऊंगा उज्जैन पहुँचने के बाद। तो अभी मैं आ गया हूँ उज्जैन, और मैंने बोला था कि 2-3 लोग से मिलने वाले, हम लोग भाई के दोस्त हैं, और इन लोगों से अभी हम लोग मिले। भाई आपका नाम बताओ? मेरा प्रदीप शरद है। प्रदीप, भाई का नाम प्रदीप है भाई आपका? रविंद्र। भाई का नाम रविंद्र शरद, और आपका? मोहित सूर्यवंशी भाई का नाम है। और अभी हम लोग यहाँ पर, ये जगह का नाम क्या है? चार धाम उज्जैन ना, और इस जगह को बोलते हैं उज्जैन चार धाम भाई, चार धाम इसको बोलते हैं। और इधर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर आगे आप देखोगे तो यहाँ पर जो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का, जैसे कि जो अपने इंडिया में 12 जगह पर है, जो एक उज्जैन में है। तो यहाँ पर अभी हम दर्शन करेंगे, और आगे जाएंगे रामघाट, और रामघाट देखते हैं, वहाँ पर भी दर्शन करेंगे भाई, वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, रुकेंगे। और ये भाई लोग भी साथ में, भाई आप बताओ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रही है भैया, हम तो आके बहुत बढ़िया लग रहा है। 2 दिन से इधर है क्या? 2 दिन से इधर ही हो। तो अगर आज हम लोग यहाँ पर उज्जैन घूम लेते हैं, तो प्लान करते हैं भाई यहाँ से निकलने का, लेकिन अभी जाना है महाकालेश्वर। अंदर वीडियो शूट करने देते हैं? नहीं, सब तो शायद महाकालेश्वर अगर हम अंदर जाएं तो वीडियो भी शूट ना कर पाएं, लेकिन बाहर से मैं रिकॉर्ड करके कुछ आपको दिखा दूंगा, लेकिन अंदर का रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर अलाउ हुआ तो फिर अंदर का रिकॉर्ड कर लेंगे, अदरवाइज कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। और भाई लोग के साथ भाई मज़ा आ गया, और एक एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ, पुलिस पकड़ी थी, तो वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। पहले हम लोग चलते हैं रामघाट, उसके बाद अपडेट आपको देता हूँ।